इलेक्ट्रिक बर्नर बने हुए हैं, जानवर के जानवर उसमें डाल देते, खटका दबाया राम। गोश्त खाना मकसद नहीं है कुर्बानी का। लैना वल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, बोल भी दिया कुरान मजीद में अल्लाह सुबहानहु व तआला तक, लैना वल्लाह लुहुमुहा, उन जानवरों का गोश्त नहीं पहुंचता अल्लाह, वला दिमाउहा, खून भी नहीं जाता वहां। फिर वला कि यनालु तक्वा मिनकुम, तुम्हारी जो फरमा बरदारी का जज्बा है ये अल्लाह को बतलू, करते के नहीं करते। गोश्त खाना मकसद नहीं है, गोश्त जाया हो रहा होने दो, खाना है तो खाओ, चमड़ा फायदा उठाओ, गोश्त खाओ, लेकिन मकसद गोश्त खाना नहीं है, मकसद चमड़े से फायदा उठाना नहीं है, मकसद हुकुम पर जानवर को जबा करना है, बस हुकुम की ताक करो। तो सारा हज जो है हुकुम की फरमा बरदारी का नाम है। सफा मरवा के दरमियान में दौड़ो, सफा से मरवा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ रही थी, ये पहाड़ पे चढ़ के उन्होंने देखा कि कोई इंसान वगैरह कोई नजर आता क्या, बच्चे को पानी होना है, बच्चे को प्यास लगी है, नहीं दिखा तो फिर दौड़ते हुए वो दूसरे पहाड़ पे गई मरवा पे, वो पहाड़ उन्होंने अब तराश तराश के उस पर इमारत बना ली है, बड़े पहाड़ थे वो दोनों, खड़े होकर वहां देखी वो सात मरतबा वैसे, अब हाजियों को भी सात मरतबा दौड़ना है, अब आप पानी देखना है ना कुछ ना क्या, पानी क्या हो तो जगह जगह रखा हुआ है सब समझम, तो चूंकि हमारे मकबूल बंदे हमारे हुकुम के ताबे थे, हमको प्रसन्न है उनकी अदा, तुम भी करो ताकि वो रूहानियत वो तकवा वो फर्मा बरदारी का जज्बा तुम्हें भी आए, वो जज्बा लाना है तुम्हारे लिए, इसलिए तुमको 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 1.5 लाख खर्च करके आपको बुलाया गया है, ताकि वो जज्बा इब्राहिमी वो जज्बा इस्माइली वो जज्बा हाजरा अलैहिस्सलाम आप में आए, वो स्प्रिट दौड़ो उनके जैसा, नकल करो उनकी, ताकि वो जज्बा आप में आए, उसी को हज्जे मबरूर हज्जे मकबूल उसको बोलते हैं, वो लेके आओ। जमजम आप नहीं लाए परवा नहीं, खजूर आप नहीं लाए परवा नहीं, वो जज्बा इब्राहिमी लेकर आए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जज्बा लाइए फरमा बरदारी का, और वापिस आके पूरी जिंदगी फरमा बरदारी पे गुजारिए, तो अलामत है कि हज आपका कबूल हुआ। अब जो वापिस आए तो जनाब जो करना है वो इच कर रहे हैं, जो गुना पहले कर रहे थे फिर वैसे फिर हज को जा रहे हैं, फिर वैसी फिर हज को जा रहे हैं, फिर वैसी दरमियान में उमरा भी कर रहे हैं, क्या किस वास्ते कर रहे हैं आप ये? लब्बैक वला सअबैक, हुजूर फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को फरिश्ते क्या कहते हैं, नहीं लब्बैक ना सअबैक, नहीं तेरे लिए नहीं है, नियति सही नहीं थी, बदलना ही नहीं चाह रहा तू, हम तो बदलाने के लिए बुला रहे हैं आप, कुर्बानी है जज्बा कुर्बानी, ये कुर्बानी करना है, फरमाया कि ये कुर्बानी इस जज्बे से जो करेगा कतरे खून जमीन पे गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले की मगफरत हो जाती, और कुर्बानी के जानवर पर जितने बाल है हर बाल के बदले एक अजर मिलता है, मामूली है जनाब, कितने बाल है
कुर्बानी के जानवर के जिस्म पर हाथ रख के मुट्ठी में बाल ले लो, वो गिन नहीं सकते आप। वो पूरे जिस्म के बाल कब गिनेंगे? क्या अजर है? यकीनन अजर इस वास्ते के आप जिस जज्बे से कर रहे हैं वो जज्बा लायक कदर है। आप हमारे महबूब बंदे हजरत इब्राहिम की इत्तेबा कर रहे हैं ना, इसलिए सवाब है। قالوا ما ذا حليل ذا يا رسول الله اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ وما لنا فیها، ہم کو اس میں کیا اجر ملے گا؟ تو فرمایا اجر تحت کل شعرتین، ہر بال کے نیچے ایک اجر ملے گا۔ तो ये नहीं सोचना है कि ये कुर्बानी करने से वो जानवर जाया हो रहा है, बिला इतने जानवर काटे जा रहे हैं, ना तो मिल रहा है मिल रहा है। वहां तो बेटे को भी काटो बोले तो काटना है जी जी, ऐसा सोच रहे हैं आप? वो तो मेहरबानी हो गई, वो तो मेहरबानी हुई अल्लाह की कि आपको जानवर काटो बोल रहे हैं, बेटे को काटो बोलते तो यू हैव टू करना पड़ेगा ना, इसलिए कि मखलूक आप उसकी है, आप सब मखलूक अल्लाह की है। आपकी जात गिरामी है या आपकी अपनी नहीं है, ये वो सब उसका है। जो दिया आपको सब उसी का है, तो उसके दिए को उसके राह में खर्च करने आपका क्या जा रहा है? वो मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और जो हमने उनको दिया है वो खर्च हमारा दिया हुआ है, हमारे नाम में खर्च करो बोले तो आपको क्या तकलीफ हो रही? नहीं नहीं, वो बकरा बहुत महंगा है, बकरा महंगा है, आपको क्या करना है? देने वाले हम हैं, दे रहे हैं हम, कर रहे हैं आप, आपको क्या करना है? है आपके पास तो करो, नहीं तो मत करो। जरूरत क्या है आप दिया हमने करो, ये जज्बा है उसके पीछे। तो ये कुर्बानी का अमल है। 12 की गुरुब तक शायद 12 के गुरुब तक, 13 की 12 के गुरुब तक, शवाफे के नजदीक 13 की गुरुब तक ये अमल है। करो बरकत खैरुन वबारका, तो ये काम करना है ये 10 दिनों में। इतने मुबारक दिन हैं, अल्लाह को इतने प्यारे हैं कि उसने कसम खाई उनकी। वल फजरी वलयाली नाशर, 10वीं की फजर की कसम क्या है? तमाम फरमाया अल्लाह सुब्हान तआला, 10वीं की फजर की कसम यौम नहर की, क्या मुबारक दिन है। वलयाली नाशर, और ये 10 रातों की कसम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी, ये 10 रातें इबादत के लिए अल्लाह ने खास कर दी थी। वातमनाहा बिअश्रिन, हजरत मूसा को भी दी गई थी ये 10 रात। कोई खास फजीलत है उसकी? वश्शफई वल वत्री, वश्शफई वल वत्री, और जुफ्त की और ताख की कसम। जुफ्त से मुराद यौमुन नहर है, 10वीं मुराद है फिर, और ताख से मुराद अरफे का दिन है 9 का। फिर वही फजीलत की बात आ गई, वश्शफई वल वत्री। या बाद मुफसरीन ने कहा है कि शफा से मुराद जुफ्त यानी मखलूक, और वित्र से मुराद खुदा की जात, क्योंकि अल्लाह वित्र है। अल्लाह वो वित्र युहिब्बुल वित्रा, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताक है और ताक को पसंद करता है। वल लैली इज़ा यसर, और
की कसम जब वो गुजरती और चलती है,